ओके लेट्स कम ऑन एग्जांपल नंबर टू 25/23 वैसे ही सिंपल डिवीजन जो हम लोग करते आ रहे हैं हम डिवीजन करेंगे इसका आंसर भी स्टॉप नहीं हो रहा और इसके आंसर में हमें कौन कौन सी बातें पता चली कि क्या ये पैटर्न में है नो इट इज़ नॉट इन पैटर्न क्या इसका आंसर स्टॉप हो रहा है नहीं सो लेट्स कम ऑन द रिजल्ट द डिवीजन गोज इनफिनाइटली एज 25/23 का आंसर स्टॉप ही नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड और इसका आंसर जो है पैटर्न में भी नहीं है जैसे इसका आंसर जो था हमारे पास एक पैटर्न में आ रहा था तो हम इसको रिकरिंग कर रहा था इसका आंसर पैटर्न में नहीं आ रहा है किसी भी तरीके के तो ये नॉन रिकरिंग है और ये क्या है आपका इरेशनल नंबर क्योंकि इसका आंसर स्टॉप नहीं हो रहा ओके द नेक्स्ट थिंग इज स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर 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 का मतलब हम लोगों ने हमेशा ये पढ़ा है टू ओके टू इट मीन्स के स्क्वायर का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर उसको जब दो दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए फॉर एग्जांपल टू को जब मैं दो दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगी इट मीन्स मैं इसको 2 power 2 लिख सकती हूँ क्योंकि इट मीन्स 2 power 2 मीन्स कि मैंने सेम डिजिट को दो दफ़ा मल्टीप्लाई किया नॉट 2 multiplied by 2 लेट्स टेक अनदर एग्जांपल इफ़ आई एम सेइंग 3 power 2 इट डज नॉट मीन दैट आई एम मल्टीप्लाइंग 3 with 2 इट मीन्स कि ये जो मैंने 3 लिखा हुआ है इसको मैं दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर रही हूँ ओके आई एम मल्टीप्लाइंग दिस डिजिट 2 times अपने ही डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो इस पावर को हम कहते हैं स्क्वायर ओके एंड व्हाट आर द परफेक्ट स्क्वायर्स दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर ये सारे एग्जांपल्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स के लिखे हैं परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है इस चीज़ को परफेक्ट स्क्वायर को हम एक अंडर रूट से शो करते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास अंडर रूट 9 लिखा हुआ है तो अंडर रूट 9 मैं ही कहूँगी कि 9 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है इट मीन्स ऐसा कौन सा नंबर है जब उस नंबर को मैं दो दफ़ा मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 9 तो फौरन हमारे दिमाग क्लिक करना चाहिए कि 3 threes are 9 ओके 3 threes are 9 इट मीन्स अंडर रूट 9 परफेक्ट स्क्वायर किस चीज़ का है 3 का है 3 power 2 is 9 ओके एंड सो ऑन दीज ऑल आर द परफेक्ट स्क्वायर्स और हमने क्लास में बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा है कि व्हाट आर स्क्वायर्स व्हाट आर परफेक्ट स्क्वायर्स एंड वन मोर थिंग दिस सिंबल ये जो अंडर रूट का साइन है इसका मतलब होता है पावर में हाफ ओके जस्ट रिमेंबर वन थिंग दिस सिंबल रेडिकल सिंबल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर इसको हम लोग इसकी जो वैल्यू अगर आप सपोज कर सकते हैं वो होती है पावर में हाफ इट मीन्स मैं अगर अंडर रूट 9 लिख रही हूँ तो मैं अंडर रूट 9 को मैं 9 power 1/2 भी लिख सकती हूँ ओके और वन थिंग मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो अंडर रूट 9 है ये 3 तक कैसे पहुँचता है इसका आंसर 3 परफेक्ट स्क्वायर तो है हमें पता है 3 लेकिन कैसे पहुँचता है लेट्स डू ओवर हियर अंडर रूट 9 को मैं 9 मिस मैंने अभी बताया कि अंडर रूट 9 ये जो रेडिकल साइन है इसको हम पावर में हाफ भी लिख सकते हैं और फिर हमें पता है कि 3 को जब हम दो दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 9 का और फिर आप देख सकते हैं कि हम पावर्स जो होती हैं हो रही हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 की power 1 बन जाएगी 3 की power 1 मीन्स 3 तो तभी हमें पता चलता है कि अंडर रूट 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 ओके आई होप दी स्क्वायर्स आर रिटन फ्रॉम 1 to 15 और ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए 10 तक तो नॉर्मली सबको याद होते हैं बट इट्स वेरी गुड टू लर्न टिल 15 ओके दीज आर द सम बेसिक रूल्स एंड यू कैन ऑल्सो से टिप्स और हिंट्स टू लर्न ऑल दीज परफेक्ट स्क्वायर्स ओके व्हाट आर नेचुरल नंबर्स एंड हाउ व्हेन व्हाई वी ऑल यूज दीज काइंड ऑफ नेचुरल नंबर्स
द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर एन इज द नंबर दैट प्रोड्यूसेस द नंबर एन व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. ओके दीज ये अभी हमने लास्ट पेज पे मैंने आपको यही चीज़ पढ़ाई है कि स्क्वायर रूट क्या होता है. स्क्वायर रूट मैंने अभी आपको बताया था ना, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, पावर हाफ. ये वही चीज़ है कि अंडर रूट नाइन जो है वो थ्री तक कैसे पहुँचा, ये मैंने आपको प्रीवियस पेज पे बता दिया कि अंडर रूट का मतलब होता है हाफ. तो ये थ्री, ये नाइन किसका स्क्वायर होता है, थ्री का स्क्वायर होता है और फिर हाफ और फिर पावर से पावर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, फिर हमारे पास आंसर थ्री बच जाएगा. तो इट मीन्स अंडर रूट नाइन का जो आंसर जो हमने लास्ट पेज पे मैंने आपको कराया था वो थ्री तक कैसे पहुँचता है, ये वही लिखा हुआ है, फैक्टराइजेशन एंड ऑल दैट स्टफ. ओके लेट्स टेक दिस एग्जांपल, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324. लास्ट ग्रेड सेवन में या हम लोग पिछले ग्रेड्स में यही पढ़ाई के 324 का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे. आई होप सबको रिमेंबर होगा, बाय डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन 324, बाय डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे पास ये सारे इसके क्या आ जाते थे, फैक्टर्स आ जाते थे और फिर हम लोग पेयरिंग करते थे और हर पेयर में से एक एक नंबर उठाते थे और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते थे. और ये आंसर हमारे पास जो आता था ये हमें बताता था कि थ्री, ये जो नंबर लिखा है फॉर एग्जांपल इधर 324 लिखा है, ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, किस पर नंबर का स्क्वायर रूट है. तो 324 इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 18. ये जो ये वाले जो नंबर्स निकले ना, ये जो हमारे फैक्टर्स निकले ये प्राइम फैक्टराइजेशन से निकले हैं. एंड आई होप कि प्राइम फैक्टराइजेशन सबको अच्छे तरीके से आती होगी. ओके आई एम एंडिंग माई लेक्चर ओवर हियर एंड आई होप दीज एग्जाम्पल्स आर क्लियर. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द डिविजन मेथड्स एंड आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेरीज. और इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा, और अगर होगा सो डू लेट मी आस्क इन द क्लास और यू कैन ऑल्सो आस्क मी थ्रू गूगल क्लासरूम. ओके आई होप यू ऑल आर यू अंडरस्टूड द टॉपिक. Take care everybody, Allah Hafiz.